हेलो एवरीबॉडी, इस चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है एक नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। मैं चिंग चांग, नमस्ते, सलाम अलैकुम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक नए प्रोडक्ट रिव्यू। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया प्रोडक्ट, टाइटन रिस्ट वॉच। ये क्वार्ट्ज है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मैंने जो ये प्रोडक्ट परचेस किया वो प्रोडक्ट का रिव्यू। तो इस चैनल में आप जितने सारे प्रोडक्ट के रिव्यू देख रहे हैं वो सब मैं परचेस कर चुका हूँ। परचेस करने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस है कि अच्छा ही है, क्या खराबी है, व्हाट इज़ बैड एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये वीडियो का बनाने का कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है, जस्ट आपको मेरे एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो ये अनबॉक्स भी नहीं है और नए ये वॉच एकदम नए भी नहीं है। ये मैंने 2 ईयर्स एगो आई हैव परचेस्ड दिस प्रोडक्ट। तो आफ्टर 2 ईयर्स मैं आपको सब शेयर करूँगा ये क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, कितना दिन चलता है, बैटरी कितना अच्छा होता है। तो ये देखिए, ये तो मेरा वॉच है, ये क्वार्ट्ज है, बैटरी से चलता है। और मेरा जो परचेस किया था, देखिए ये टाइटन का है, ये बॉक्स है और इसका जो प्राइस मैं आपको बोल देता हूँ, उसका नंबर भी बोल देता हूँ आपको, 2419YM01 और इसका प्राइस है 1450 रुपीज़ है। देखिए ये अफोर्डेबल प्राइस है, ये फॉर कॉमन पीपल के लिए है। देखिए ये A233V है, मुझे नहीं पता है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्स से, जिसका प्राइस है मार्केटेड बाय टाइटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका क्वांटिटी 1 है और इसका जो कोड नंबर है देखिए, और ये मैं संभाल कर रखा था। ये देखिए ये एकदम नई है, 2 साल पुराना है, 2 ईयर्स ओल्ड ये प्रोडक्ट है। तो मेरे पास और भी एक वॉच है, देखिए ये देखिए ये टाइमेक्स का है, थोड़ा सा फोकस कर ले कैमरा को, देखिए ये टाइमेक्स का है वॉच। ये और भी एक घड़ी है मेरे पास, ये भी पहनता हूँ और ये भी पहनता हूँ। तो ये तो मैं दूसरे वीडियो में ये आपको प्रोडक्ट रिव्यू दूंगा। ये ज़्यादा साल पहले मैंने परचेस किया था और अब मैं ये टाइटन का जो वॉच है मैं आपको रिव्यू दूंगा आज। तो देखिए ये कॉमन पीपल के लिए बहुत ही अच्छा है, ये यूथ के लिए अच्छा है और जो ऑफिस वर्कर के लिए वो भी अच्छा है। ये एक्चुअली ऑफिस वर्क के लिए है, इट इज़ नॉट स्पोर्ट्स, एक कैजुअल वॉच नहीं है। देखिए इसका पीछे देखिए, ये कैजुअल वॉच नहीं है और अभी तक मुझे कोई बैटरी चेंज करने के मौका नहीं मिला, अभी भी ये चल रहा है। तो मैं आपको कहूँगा जो कॉमन पीपल है जो कुछ कम प्राइस में वॉच परचेस करना चाहते हैं, तो मैं तो कहूँगा ये टाइटन सबसे अच्छा है, क्योंकि टाइटन टाटा का प्रोडक्ट है और आप इसका जो बैटरी है मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा आप जो टाइटन परचेस करें वो शोरूम और आउटलेट से, टाइटन का जो खुद का जो शॉप है, आउटलेट है, खुद का शॉप है, उस शॉप में, जिस शॉप में ओनली टाइटन का ही प्रोडक्ट रहता है, उस शॉप से ही आप परचेस करें और उस शॉप में जाकर आपका जो बैटरी है, क्योंकि ये वो रिस्ट वॉच क्वार्ट्ज का है, क्वार्ट्ज मतलब जो घड़ी जो वॉच बैटरी से चलता है, वो बैटरी आप उस कंपनी का दुकान से ही चेंज करें, क्योंकि जो टाइटन का जो खुद का जो आउटलेट है उस आउटलेट में आप अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, वो आपको चेंज करने के बाद एक आपको वारंटी एक आपको बिल देगा,
वारंटी बिल देगा, तो 6 मंथ का वारंटी है। अगर 6 मंथ के अंदर वो बैटरी ख़त्म हो जाएगा वो फ्री आपको रिप्लेस भी कर देंगे। ये सबसे बड़ा फैसिलिटी है। और दाम ज़्यादा लेंगे, 200 से आसपास लेंगे, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है कितना प्राइस है, क्योंकि मेरा जो ये घड़ी है, ये जो घड़ी देख रहे हैं इसका अंदर जो बैटरी है, ये बैटरी टाइटन का ही बैटरी है। मैंने टाइटन का आउटलेट से लिया था, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ये मशीन्स टाइटन के प्रोडक्ट मशीन्स नहीं है, वो टाइटन के मशीन के ऊपर ही गारंटी देगा। दूसरे जो प्रोडक्ट है वो चेंज कर देंगे लेकिन कोई गारंटी नहीं देगा, ये एक सबसे खासियत है। अभी तक ये 2 साल चल रहा है, अभी ये चल रहा है। तो देखिए ये आप पहनेंगे कैसे, देखिए मैं आपको, देखिए आप देखिए ये प्रोडक्ट, देखिए ये एकदम नए नहीं है, देखिए ये थोड़ा सा पसीना का थोड़ा सा रस्ट पड़ गया। और ये जो प्रोडक्ट है, देखिए पहले मैं आपको बोल देता हूँ, ये स्टेनलेस स्टील है, बैक साइड में ये स्टेनलेस स्टील है, और इसमें कुछ नंबर लिखा है 15301070419083502, इसके कुछ नंबर है। और इसमें इसमें लिखा है इंडिया का है, और एक QR कोड है, और इधर में लिखा है स्टेनलेस स्टील, ये टाइटन का लोगो है, इसमें लिखा है टाइटन लिखा है, और 1650 SSC एक प्रोडक्ट कोड है, और एक है 30 mm WR। ये एकदम वाटर प्रूफ नहीं है लेकिन ये वाटर रेसिस्टेंस है 30 mm तक, यानी 30 मीटर जो पानी का जो गहराई होता है उस गहराई तक ये वाटर रेसिस्ट कर सकता है, लेकिन ये एकदम वाटर प्रूफ नहीं है। वाटर प्रूफ मतलब जो घड़ी वाटर में पानी के अंदर भी पहन सकते हैं उसको कहते हैं वाटर प्रूफ। ये दिस वॉच इज नॉट अ वाटर प्रूफ, दिस इज़ अ वाटर रेसिस्टेंस। वाटर रेसिस्टेंस का मतलब होता है जो वाटर, आप अगर थोड़ा सा वाटर लग जाए, थोड़ा सा रेन लग जाए, पानी के छींटे लग जाए, आपका जो घर में जो पसीना आता है, हाथ का जो पसीना पीछे से लग जाए, तो ये रेसिस्ट कर देंगे लेकिन प्रूफ नहीं कर पाएंगे। प्रूफ मतलब वाटर एकदम घुसेगा भी नहीं, ये वो घड़ी नहीं है। अगर घड़ी होता है तो इसका दाम इतना कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा ही होता। तो देखिए अभी मैं जो कह रहा था, ये आप कैसे लॉक करें अपने हाथों में, मैं हाथों में ये ऐसे करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो आप मैं आप अगर देखिए मैं आप अगर देखिए ऐसे करके दिखाऊंगा तो मेरा हाथ से गिर जाएगा, ऐसे करके दिखाऊंगा तो मेरा हाथ से गिर जाएगा। देखिए हाथों में कैसे लगता है, देखिए आप थोड़ा सा देख लीजिए, आपके हाथ थोड़ा सा मोटा हो वो भी अच्छा लगेगा, आपका हाथ थोड़ा सा पतली हो मेरे जैसा तो भी अच्छा ही लगेगा। तो अभी मैं जो दिखाने जा रहा था कैसे लॉक करें इसको, देखिए ऐसे करें, ऐसे करें, देखिए इसमें ये लॉक कर दे, देखिए ये लॉक है, लॉक कर दे, देखिए लॉक हो गया। अभी आप इसको लॉक करते, देखिए ये लॉक हो गया। मैं दोबारा फिर से आपको दिखा रहा हूँ कैसे लॉक करें, पहले तो बहुत स्पीड से मैंने दिखा दिया था, अभी देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये देखिए इसका हुक है, हुक को इसमें लॉक करते हैं, और ये जो घाट है, ये जो घाट है इसको इसमें, इस जो घाट है इसमें आपको सेट करना पड़ेगा। देखिए इस हुक को
मैंने इधर में लॉक कर दिया, उसके बाद मैंने ये डाल दिया इसमें, साउंड आ गया टुक करके, फिर इसको प्रेस कर दिया। हाँ अभी कैमरा फोकस हो गया, देखिए प्रेस कर दे, ये देखिए अभी ये देखिए लॉक हो गया, देखिए एकदम हाथों में लॉक हो गया। तो ये एकदम लॉक हो गया, अभी मैं इसको खोल कर दिखाता हूँ खोलना कैसा है। देखिए इसको प्रेस करें थोड़ा सा, अपनी जो नेल है नेल को नेल यूज करें, इसमें देखिए थोड़ा सा स्पेस है, यूज करें, देखिए ये हो गया खुल गया। उसके बाद अपनी जो नेल है नाखून है नाखून से यूज़ करें, देखिए खोल गया, देखिए ये कितना सारे लॉक होता है, देखिए अभी ये खोलने में थोड़ा सा मुश्किल होता होगा क्योंकि ये मेरा हाथों में है। आप ये मेरा हाथों में बंधा हुआ होता तो ये जल्दी से जल्दी खोल जाता, देखिए थोड़ा सा मुश्किल होगा खोलने में। क्योंकि ये मेरा हाथों में नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, अगर हाथों में बंधा हुआ होता तो जल्दी से जल्दी खोल जाता, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। खोल गया, अभी मैं हाथों में मैं पहनकर आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे खोलना है। ये सबसे इजी होता है, आप अगर हाथों में आप ये रख लें। अब मैं देखिए हाथों में देखने में कैसा है वो मैं दिखा रहा हूँ, देखिए मेरा हाथ थोड़ा सा थीन है, अभी मैं इसको खोल कर दिखाऊंगा, ये रिस्ट्रस खोल कर दिखाऊंगा क्योंकि हाथों में खोलना बहुत ही ईजी होगा। देखिए मैंने बांध कर रखा है, बांध कर रखा है, देखिए मैंने ये खोल दिया, इसके बाद ये खोलूँगा, इसके बाद हो गया, इतना इजी से हो गया, ये खुल गया। और मैं पहले जो हाथों के बंधा हुआ नहीं था इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, अगर ये बस हाथों में बंधा हुआ रहेगा तो इसका खोलने में इट इज़ ईजी टू अनलॉक। तो मैं ये खोल गया, तो मैं आशा रखूँगा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो आपको अगर पसंद है तो लाइक कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।